कि 1900 रुपये तक के टारगेट्स हैं, ना सिर्फ उस टारगेट को अचीव किया शेयर ने बल्कि और चला महीने भर में करीब 18-20% के आसपास की रैली शेयर में हो चुकी है। 1984 रुपये का भाव फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, आज इसने 2014 रुपये का भी हाई बनाया है। श्रीकांत जी, 2000 रुपये के ऊपर इंट्राडे में पार निकला है टाटा कम्युनिकेशन, आप इसमें क्या टारगेट्स देख रहे हैं और क्या इसमें नई खरीद करनी है क्या? बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें लगता है कि टाटा कम्युनिकेशंस में जो ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न बना है वो काफी स्ट्रांग है। काफी अच्छी तरीके से इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, यानी कि 1550-1600 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया था जब मार्केट में एक वीकनेस थी, और उसके बाद अभी जो तेजी बनी है वो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनाते जा रहा है। इनफैक्ट आज ही के दिन में स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस किया, यानी ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है। तो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम 2050 के लेवल्स देख सकते हैं, और बेस्ट केस में मुझे लगता है कि 2250 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरे ब्रॉडर टेलीकॉम स्पेस में अच्छी तेजी बनी है, तो भारतीय इंडस टावर, साथ ही साथ टेली कम्युनिकेशन में टाटा कम्युनिकेशन, तो हमें लगता है कि सेक्टर के सपोर्ट के साथ ये भी स्टॉक चलेगा। और करंट लेवल से हमें लगता है कि टाटा कम्युनिकेशन को लॉन्ग करके चले, और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम 1930 का स्टॉप लॉस रखेंगे, बट टारगेट्स उनके लिए रहेंगे 2250 के। सो वेरी शॉर्ट टर्म में 2050 एक माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन 2250 के टारगेट के लिए टाटा कम्युनिकेशंस को लॉक किया जा सकता है। 2250 कब तक आएगा श्रीकांत जी? 2250 के टारगेट्स लगभग मुझे लगता है कि ये 2 से 3 महीने में अचीव कर सकता है ये स्टॉक।